कुरुक्षेत्र अंबाला की सीमा में पाडलू नहर के अंदर दो एक्सप्लोसिव बम मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में अंबाला और कुरुक्षेत्र की पुलिस व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। अभी यहां पर एक्सप्लोसिव बम कैसे आए के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शी अमरदीप के मुताबिक सुबह सैर करने गए तो उन्हें संदिग्ध सामान मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। एक अन्य स्थानीय निवासी सुखबीर सिंह के अनुसार ये आर्मी ट्रेनिंग का सामान हो सकता है। फिलहाल दो एक्सप्लोसिव बम मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। शाहबाद थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि मारकंडा नदी के अंदर कोई बम से जुड़ी वस्तु है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बम निरोधक दस्ता को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उन्होंने देखा कि एक्सप्लोसिव बम जो मिले हैं उनको जंग लगी हुई है और वो बहुत पुराने हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे हम इस टाइम गांव पाडलू की सर यहां पे सीन लगती है और साथ में ये पंजायल गांव की जमीन है जी। यहां पे हमारा साथ में खेत लगते हैं, जिधर भी खेत हमारे हैं और इधर भी खेत हमारे हैं। तो यहां से हम सुबह, मेरे ये संदीप सिंह चाचा जी थे और ये जसबीर सिंह पाडलू, हम गांव में सुबह इकट्ठे हुए। वैसे ही हमने चले कि चलो खेतों में गेड़ा मार के आते हैं, इस चाचा के भी खेत साथ ही है। तो हम इधर से गेड़ा मार के जब इधर को निकलने लगे तो निकल रहे थे तो हमारे को ये दिखे कि ये दोनों यहाँ पे दो कारतूस आप देख रहे होंगे सामने, वो जिंदा कारतूस है शायद। तो हमारे को देखे, हमारे को एक हमने हाथ में भी पकड़ के उसको देखा भी ये क्या चीज है। तो लेकिन देखने में हमारे को कुछ, हमने देखा तो हमारे को लगा कि ये शायद कोई बम वगैरह है, सूचना वगैरह। हाँ, तो उसकी हमने तुरंत, हमने क्या किया कि वहाँ पे शाहबाद में सीआईडी वाले आर्या जी हैं, वो अपने संपर्क में थे, हमने उनको कॉल किया और मौके पे उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे को कुछ चीजें मिली। हमने उनको फोटो और लोकेशन भी आके शेयर की, तो तुरंत ही वो जितना जल्दी हो सका वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने आके अब इसको देख रहे हैं और उन्होंने अपने दूसरे अधिकारी को भी फोन किया है कि वो अभी इस चीज की पुष्टि करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। देखो हमारे को भी इस चीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमने अनुमान लगाया कि ऐसा कुछ विस्फोटक सामग्री है। लगभग कितने बजे की बात है ये अभी? इस बात को मेरे हिसाब से जी घंटा एक हो गया होगा, ये 10 बज चुके हैं, ये 8:30-9 बजे की बात है लगभग। हाँ, तो अभी कुछ गाँव वासी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, सबको जैसे जैसे पता लग रहा है वो देख रहे हैं कि ये क्या चीज है। अभी ये शायद ये अम्बाला जिला में आती है ये रकबा, तो पहले कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की टीम आई थी शाहबाद से, तो उन्होंने जब उनको पता लगा कि ये अम्बाला का, तो अभी अम्बाला में शायद कन्वे कर दिया गया मैसेज, तो वहाँ से जो भी अधिकारी आएंगे वो आके इसकी पुष्टि करेंगे और देखेंगे उसके बाद इसका क्या करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनदीप सिंह काली, पाडलू से। ये जगह है ये विलेज पंजाल के अंदर आती है। तो सर ये तो मेरे को लगता है भी जैसे पहले यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग करती थी ना, उस टाइम कई होंगे, पुराने नए तो ये लग नहीं रहे। ट्रेनिंग भी करते थे यहाँ का? हाँ, आज से 30-40 साल पहले ना, जब यहाँ पे आबाद नहीं था तो आर्मी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आती थी। तो आपको मेरे को तो गांव के बंदे ने मैसेज किया यहाँ से, फोन अभी किया आधा घंटा पहले, नहीं यहाँ पे कोई नहीं मिला ऐसे वैसे ट्रेनिंग। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी आज हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मारकंडा जो नदी है उसके अंदर ऐसे बम नुमक वस्तु है, और अभी आके हमने देखी है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बम नुमा वस्तु है। और अभी हम बम डिस्पोजल टीम से भी संपर्क किया है, उनसे भी संपर्क करके उनको भी अभी जानकारी दे दी गई है। और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि साथ में एरिया जो मारकंडा का एरिया ये अम्बाला क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के एसएचओज को भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है और जैसे भी होगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। सर जी, सर अभी मैंने जब देखा है तभी ये आए हैं और उसके साथ साथ हमने जो देखा है उसी ये काफ़ी जंग लगी हुई है और काफ़ी पुरानी है और अपने हिसाब से मतलब अभी उस अवस्था में नहीं है कि एकदम कोई ये निष्क्रिय लगे कि कोई घटना घट सकती है, इस प्रकार की कोई वो अभी स्थिति नहीं है। देखने में काफ़ी जंग लगा हुआ है, वो आप भी देख सकते हैं, ऐसा ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है सर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।